ना हंटर ब्रीड होती है ये ना हंटिंग के लिए काम आ जाती थी, अब तो भाई ये लोगों ने शौक। भाई इसकी क्या डिमांड रहने वाली है? ये देखिए ये मतलब टॉप क्वालिटी तो नहीं, बदनाम मत क्या करो, बहुत अच्छी ब्रीड होती है भाई ये, देख रहा हूँ मैं इसके ऊपर हाथ फेर रहा हूँ। क्या रहने वाली है इसकी डिमांड? कुछ नहीं, बहुत ही कम है मार्केट में, जितना भी है उससे कम। खानदान को बहुत कटलिंग वटलिंग पसंद है, ज्यादा नए लोग पसंद नहीं है वही प्यार। ना जो ब्रीड होती है ना वो बहुत ही रेयर होती है और भाई बहुत कॉस्टली आती है। देखो हम आपको ना अफगान हाउंड दिखाएंगे, ऐसी क्वालिटी है भाई, मैंने ना फोटो में देखा है, अब आपको लाइव दिखाएंगे क्या चीज है क्या चीज नहीं है। बस भाई ने ग्रूमिंग न कर रखी हो, उसकी कटिंग वटिंग न करा रखी हो। आ गए रोहित भाई के पास, और रोहित भाई क्या हाल है? भाई इनके पास अफगान हाउंड है, वो दिखाता है। अफगान हाउंड क्या चीज है मेरी जान, भाई किसी के पास नहीं मिलता, रेयर कलर है भाई ये तो। अफगान हाउंड है ये भाई, इतनी रेयर ब्रीड है इसकी कोई हद नहीं भाई, देख रहे हो? ओए होए भाई बहुत ही रेयर मिलता है और ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं भाई, ये ना लाख से ऊपर ही आते हैं, 1 लाख से ऊपर ही आते हैं भाई अफगान हाउंड। भाई रोहित भाई, रोहित भाई इसके बारे में कुछ चीज बताओ। ये अफगान हाउंड है, ये रशिया इम्पोर्ट होती है, लाइक ये मुदुल हाउंड आप इंडियन डॉग्स जानते हो उनसे ये मिक्स होके बना हुआ है, जिसे ग्रे हाउंड के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत हंटिंग डॉग्स होते हैं, उनका हाउंड उसी के ये पड़ता है अफगान हाउंड, और मतलब सुंदरता में ये वर्ल्ड के नंबर 1 कुत्तों में से एक है। रेयर नहीं मिलते ना भाई ये कहीं? ये कहीं नहीं मिलेंगे, दिल्ली में इकलौता कुत्ता है मेरे पास बस। भाई अफगान हाउंड कुछ बता होगा? ये अपनी अफगान हाउंड ये मतलब सुंदरता के लिए मानी जाती है, ये मतलब रॉयल्टी राजा महाराजा लोग अपने लिए शौक के लिए पालते थे, ठीक है। ये मतलब सस्ते कुत्तों में तो आते नहीं, आप देख सकते हैं। तो इनके जो बाल हैं अभी ये तो बचपन के एक बार कटते हैं, इतने बाल करीबन रहते हैं फ्लोर पर छत में, और मतलब ये बहुत अपने मतलब तो भाई इसका ओरिजिन कहाँ से है इस ब्रीड का? इसका ओरिजिन है अपना रशिया, रशिया बट इसका ब्लड अपने इंडियन डॉग से है, जिसका नाम है मुदुल हाउंड बोल सकती हो, ठीक है, या राजा पल्लम जिसे बोलते हैं, राजा पलायम जो डॉग होता है इंडियन ब्रीड जो है। ना हंटर ब्रीड होती है ये ना हंटिंग के लिए काम आ जाती थी, अब तो भाई ये लोगों ने शौक बना लिया है, अब भाई ने भी अपना शौक बना लिया है, भाई ने घर के लिए खिलौना रख लिया बड़ा खिलौना, हम तो शीट शीट रखते हैं खिलौने के टाइप में, पर भाई ने तो बड़ा ही शेर पाल लिया बिल्कुल मेरे भाई। भाई के पास ना एक गोल्डन रेटरीवर भी है, और भाई है ना फ्रेंच बुलडॉग है, फ्रेंच बुलडॉग ना फुल एक्टिव होता है, ये फुल परेशान रहते देख रहे हो हमें, पे 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 देख रहे हो, और ये चाओ चाओ है भाई, चाओ चाओ काटते तो नहीं, चाओ चाओ बड़े अग्रेसिव माने जाते हैं, पर ये तो भाई फ्रेंडली है। ओए होए भाई इनके बारे में बताओ क्या क्या चीज़ें भाई, ये सेल के लिए है, आप घर के लिए तैयार कर रहे हो क्या चीज़ें, आप ये बताओ। ये स्टड के लिए तैयार हो रहा है अपना, ये सेल के लिए है, ये सेल के लिए है, ये अपनी है भाई। अब इनके बारे में हाथ में लेके इन्हें बताओ इनकी क्या क्या क्वालिटी है क्या क्या क्वालिटी नहीं है। ये फ्रेंच बुलडॉग की सबसे पहली चीज इनकी किंकी टेल जो होती है, इनके ईयर रैबिट जैसे होते हैं, इनका फेस एप्पल शेप में होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, ये सब खूबियां देख के फ्रेंच बुलडॉग चेंज कर सकते हैं आप। भाई इसका डिमांड क्या रहने वाली है? इसकी डिमांड कुछ नहीं, बहुत ही कम है मार्केट में, जितना भी है उससे कम से कम 7-10 हज़ार रुपये का। अच्छा जी, तो भाई जिस किसी भाई को ये बच्चा चाहिए हो तो भाई मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है भाई। भाई इसकी पेडिग्री क्या है और बताओ आप? इसकी पेडिग्री मींस ये है कि इसकी मदर भी होम ब्रीडिंग की है हमारी, वो चंडीगढ़ से आई थी, चैंपियन की बच्ची है। और फादर इसका? इसका फादर चैंपियन लाइन से है। ये भैया हमारे गोल्डन रिट्रीवर। भाई मेल है फीमेल है? ये मेल है। ये गोल्डन रिट्रीवर बहुत काम डॉग होते हैं, एंटरटेनमेंट मूवी में देखा होगा आपने जैसे कि, बहुत ही ज्यादा समझदार, हाँ इंसानों के साथ घुलने मिलने वाले, बहुत पारिवारिक कुत्ते, इनका काटने वाटने का कोई वो नहीं है, इनको तुम बच्चों के भी साथ रख सकते हो अपने घर के अंदर कहीं पे भी, और मतलब ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं चाहिए होता इनको रहने के लिए, ये लोग बहुत कंजस्टेड जगह में भी रह लेते हैं, बस इनको प्यार चाहिए होता है। तो भाई ये पप्पी सेल के लिए है? हाँ जी। भाई इसकी क्या डिमांड रहने वाली है? ये देखिए ये मतलब टॉप क्वालिटी तो नहीं बोलेंगे पर अच्छी क्वालिटी का है, इसके मदर फादर अच्छी क्वालिटी है, इसका वही रहेगा 12-14-13 जो रेट आता है। तो जिस भाई को चाहिए भाई वो मेरे वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। भाई का पिटबुल है स्टैंडर्ड साइज में, भाई ये पिटबुल भी कह सकते हो, एक्सेल बुल्ली भी कह सकते हो भाई, एक्सेल बुल्ली है भाई, ये एक्सेल बुल्ली है, पिटबुल नहीं है, एक्सेल बुल्ली है भाई ये, और ये 6 महीने का बच्चा है, इसका फादर है डबल एक्सेल, ये भाई एक्सेल बता रहा है, ये डबल एक्सेल ही जाएगा। भाई इसके बारे में बताओ कुछ। ये भैया इसके पापा मतलब
रॉजर लाइन से है, ये इम्पोर्ट हुए थे अपने, डबल एक्सेल उसी के है, इसकी मदर एक्सेल है, प्रॉपर एक्सेल है, और ये बच्चा पूरा एक्सेल ही आ रहा है अपने फादर से ही। तो बच्चा होके बड़ा होके बढ़िया निकलेगा, 6 महीने का भाई, अग्रेसिव तो नहीं थोड़ा बहुत? चरा भी अग्रेसिव भाई, ये बिल्कुल फैमिली वाला बच्चा है, देख रहे हो भाई। मैं देखने में तो मेरे को ऐसे लग रहा था पिटबुल है, पर भाई ये तो बुल्ली है, अभी थोड़ा छोटा है ना, 6 महीने का बच्चा, जब बड़ा हो जाएगा ना, जब इसका अलग ही सोया करेगा। ये अपना है चाव चाव, ये मतलब बहुत ही चिपचू टाइप डॉग होते हैं, टॉय ब्रीड में आती है, चाइना से इम्पोर्ट होते हैं अपने पास, मतलब ये फर्स्ट बेबी टाइप मान लो, इनको बहुत कडलिंग वडलिंग पसंद है, ज़्यादा नए लोग पसंद नहीं है, वही प्यार चाहिए होता है। भाई है ना, थोड़ी सी ना इसके बुखार हुआ है, इसकी थोड़ी तबीयत डाउन है, हाँ भाई बोले आज इसकी तबीयत डाउन है। भाई इसकी एक चीज खासियत और दिखाऊं, इसकी जीभ ना पर्पल, इसकी जीभ बिल्कुल ब्लैंक होती है, पर्पल होती है, पर्पल। भाई चाओ चाओ, अभी जब बड़ा हो जाएगा ना बच्चा, बहुत ही सुंदर निकलेगा, पर थोड़ा सा ना बीमार हुआ है, तो भाई बोले थोड़ा सा बीमार है, चलो कोई बात नहीं, इसकी वीडियो बना देते हैं। तो बोलते हैं ना पिटबुल अमेरिकन बुली अग्रेसिव होते, भाई बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। फर्स्ट टाइम मिला हूँ भाई मैं आज इसके पास, पहली बार आ रहा हूँ, देखो पहली बार में भाई खेल रहा है, देख रहे हो ये पिटबुल ब्रीड है, जो बोलते पिटबुल नहीं, डबल एक्सल बुल्ली बोल रहे हैं, पर मेरे को तो थोड़ा पिटबुल से ही लग रहा है, पर ये एक्सल बुल्ली, जब बड़ा हो जाएगा ना 6 महीने का आएगा, अभी जैसे कि इसका फेस और ब्रॉड होता रहेगा दिन ब दिन, ठीक है। हाँ तो भाई अभी 6 महीने का, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, जब बिल्कुल ओके हो जाएगा, तो भाई ये लोग बदनाम करते हैं ना पिटबुल विटबुल को, भाई बदनाम मत किया करो, बहुत अच्छी ब्रीड होती है भाई ये, देख रहे हो मैं इसके ऊपर हाथ फेर रहा हूँ, इसके ऊपर हाथ लगा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मिला हूँ, और ये कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा, ना कुछ काट रहा ना कुछ पीट रहा, बिल्कुल ओके है ये भाई, हमारे भाई है ना, ये अच्छी तरह रखते हैं, सारी की सारी बात ये है, ये ऐसे नहीं रखते उल्टा सीधा, पर ये अच्छी तरह इनकी केयरिंग करते, इसलिए भाई ये बिल्कुल शांत है। पर भाई जैसे आप अपने बच्चे को गाली सिखाओगे, तो भाई ऐसे ये गाली सीखेगा, पर ये काटना सीखेगा, गाली तो सीखेगा नहीं है। और भाई जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे, तो भाई वो पढ़ाई लिखाई सीखेगा, तो भाई इनका भी यही सीन है, आप इसे अच्छी तरह ट्रेंड करोगे अच्छी तरह, तो भाई ये कुछ नहीं करेगा, और जो भाई आप इसे काटना एग्रेसिव फाइट वाइट कराओगे, तो भाई ये फुल एग्रेसिव निकलेगा फिर ये, इसलिए भाई पिटबुल इसलिए डॉग पाल रहे, उसके लिए सबसे मेन चीज होता है कि दो वक्त उसे घुमाना जरूरी होता है, उसके शरीर से उसकी ताकत निकालनी होती है, सही ये होता है, वरना वो एग्रेशन कहीं और दिखाया जाएगा, फिर भाई इसका एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाता है ना, फिर ये भाई एग्रेशन दिखाता है, सही हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, मतलब दूसरी चीजों के साथ खेलने का मन करता है, गुस्सा उतरता है इनका, यही चीज होती है। मैंने ना बोला भाई ना इन पे चद्दर पे ले आए कुछ डॉग्स को, तो भाई चद्दर गंदी हो जाएगी, भाई बोला वॉशिंग मशीन ना धूल जाएगी, ओए ओए भाई दिल के बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। भाई हम तो अपने भाई के पास ही आ गए, भाई थक गए थे थोड़ी देर, लेट गए ये, अपने सन्नी भाई भी लेट गए, तो भाई ये हमारा जो ये है ना डॉलर, असली वाला डॉलर है, नकली वाला डॉलर नहीं है ये, भाई हमारे पास आ गए ना हमसे, वो इसका नाम भी बोले कार्डी नाम है भैया। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, रोहित भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, अच्छा मेरी जान रोहित भाई, अगली बार जरूर मिलेंगे एकदम भाई, ओके बाय बाय टाटा।